दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। महाबलेश्वर आए और आप स्ट्रॉबेरी फार्म में नहीं गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। और महाबलेश्वर तो फेमस है स्ट्रॉबेरी के लिए, तो क्यों ना फार्मिंग का थोड़ा सा नॉलेज लिया जाए। और यहाँ पे दोस्तों आप ना यहाँ का जो फार्मिंग है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फार्म मिलेंगे आपको, एक नहीं बहुत सारे फार्म्स मिलेंगे जहाँ पे आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी निकाल सकते हो और उसको ख़रीद सकते हो फ्रेश। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो महाबलेश्वर में अगर आप आ रहे हो तो आपका करना बहुत ज़रूरी है। और हम इस वीडियो में वही थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे थोड़ी सी फार्मिंग के बारे में और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का नॉलेज लेंगे और देखेंगे कि अंदर ये जो छोटा सा फार्म है वो दिखता कैसे है। सो स्ट्रॉबेरी फार्म दोस्तों महाबलेश्वर में एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। ये देखिए, सबसे पहले आप व्यू देखो ना, ये पूरा स्ट्रॉबेरी का फार्म है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रॉबेरी का फार्म है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इसके, बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते। हम अभी अंदर जाएंगे और करीब से देखेंगे। ये देखिए, बस इतनी सी छोटी सी फार्मिंग के लिए जगह लगती है आपको, ज़्यादा जगह नहीं लगती है। और अगर आप प्लांट्स भी देखो तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं स्ट्रॉबेरी के। मिलते हैं किसी से यहाँ पे और जानते हैं थोड़ा और। दोस्तों अभी जिस फार्म में हम है, मुस्ताक भाई का फार्म है, लेकिन हम यहाँ के जो ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, ये पूरा फार्म मेंटेन करते हैं विजय भाई, हम उनसे बात करेंगे और स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। और ये है विजय भाई। विजय भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हमको ये वर्टिकल फार्मिंग के बारे में, जो आप स्ट्रॉबेरी की वर्टिकल फार्मिंग करते हो हमको बताइए, हम जानना चाहते हैं। अभी जगह तो कम है लेकिन मेरे को स्ट्रॉबेरी ज़्यादा निकालना है। वर्टिकल फार्मिंग का ऐसा कंसेप्ट आया था, इज़राइल ने दिया था, अपने इधर ये इज़राइल कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अपन ने यूज़ किया है। ये हाइड्रोपोनिक नहीं है, इट इज़ अ वर्टिकल, इसमें मीडिया यूज़ है, हाइड्रोपोनिक में पानी में कर देते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी अभी आप प्लांट जो देख रहे, ये इटालियन प्लांट, इटालियन वराइटी नाबिला स्ट्रॉबेरी, मोस्टली 4 महीना चलती है, 4 महीने का क्रॉप है हमारा, हेवी रेन है इधर। अगर फ्रूट चाहिए तो लगाने के बाद 45 डेज के बाद फ्लावरिंग आता है और उसके बाद स्ट्रॉबेरी चालू होती है। आपको जो रेड स्ट्रॉबेरी दिखती है उसके लिए कम से कम 2.5 महीना तो लगता ही फार्मर को। उसके बाद अगर क्लाइमेट कंडीशन अच्छा रहा तो आपको नाइस जूसी एंड स्वीटी स्ट्रॉबेरी मिलती है। क्लाइमेट कंडीशन अगर क्लाउडी रहेगा तो थोड़ा खट्टा आता है, आप लोग नाराज़ होते हैं फार्मर में खट्टा स्ट्रॉबेरी दिया गया, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है शुगर बिक्स बढ़ने के लिए। अभी आप स्ट्रॉबेरी आ जाओ, सब जन इधर आओ, स्ट्रॉबेरी फ्रेश प्लक करो, खाओ स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, खाओ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पियो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इज अ प्योरीफाइड ब्लड। आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए एक ही फ्रूट स्ट्रॉबेरी, रिचेस्ट इन फ्रूट में स्ट्रॉबेरी आता है, तो यूज द स्ट्रॉबेरी, वेलकम ऑल ऑफ यू। और अभी ये जो फ्रूट्स है जी, ये इसको अभी कितना टाइम लगेगा और ये कैसे एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। ये फूल है, हाँ, फूल के सेंटर में जो पार्ट आता है वो स्ट्रॉबेरी है, जैसे वो है ये देखो, ये फूल है, हाँ, ये येलो दिखता है, हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी है, ये येलो जो है वो स्ट्रॉबेरी, ये देखो ये स्टेज में आएगी, फिर ग्रीन हो जाएगी, स्टेज देखो फ्लावरिंग, फिर ये, फिर ग्रीन, ये फिर पहला ये, ये पहला स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ, और बाद में रेड हो जाता है। रेड अभी मेरे इसमें आया देखो, उधर उधर है, और फिर होता है फाइनली वो रेड, फाइनली पूरा टोटल रेड होता है, फिर ये स्टेज में आ जाता है देखो, और फिर धीरे 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 होना शुरू होता है 80%। अभी ये तो 60% है, 80% होने के बाद पूरा आपको रेड स्ट्रॉबेरी दिखाई देगा। और ये जो फूल है, हाँ, ये फूल से स्ट्रॉबेरी प्रॉपर बनने में कितना टाइम लगता है? 15 दिन लगता है। 15 दिन लगता है, नियर अबाउट 15 to 18 days। और ये झाड़ जो है मैंने देखे, ये छोटे छोटे बस इतने ही रहते, इतने ही रहते, स्ट्रॉबेरी हाइट नॉट मोर देन 1 feet। और यूजुअली हम जो झाड़ देखते हैं, हाँ, वो आप जमीन पे रहते हैं, लेकिन ये आपने कुछ अलग तरीके से रखा है। कम जगह में ज़्यादा, यू सेव लेबर, यू सेव डिजीज फ्री प्लांट एंड यू सेव वाटर ऑल्सो बिकॉज द कोकोपीट इज देयर। ज़्यादा पानी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो अपन इन्वायरमेंट के लिए सब कुछ है, तो ऑर्गेनिक में अपन जाते हैं, तो अगर डिजीज नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं।
तो ये जो आपने पूरी वर्टिकल फार्मिंग की है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है? टोटल ऑर्गेनिक 100%। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी केमिकल यूज नहीं है? इसमें हम फीडिंग करते हैं एनपीके कंट्रोल करने के लिए, क्रॉप को एनपीके जरूरी है। अच्छा, एनपीके जो कंट्रोल करने के लिए हम जीवामृत बनाते। अच्छा, डिजीज फ्री के लिए माइक्रोन्यूट्रंट्स लगते प्लांट को, उसके लिए अंकुर अमृत आता है, और डिजीज फ्री करने के लिए दशपर्णी बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं। यानी दशपर्णी बोलेगे तो नीम का जो कड़वा है जो पॉइजनेट है, लेकिन अपन अपने बॉडी का पॉइजनेट नहीं है, वैसे पत्ते का स्प्रे होता है तो कीड़ा नहीं आता है। ओके, तो ये आपने सॉइल को यहीं पे इसमें डाला है और इसमें ही आपने सीड्स डाले हैं? जी। ओके, और वो ग्रो हो रहा है? वो ग्रो हो रहा है। स्टेज भी झाड़ का ऐसा रहता है, वन स्टेज देखो छोटा है, फिर सेकंड स्टेज में ये में आता है, थर्ड स्टेज में फ्लावरिंग के साथ बड़ा होता है, और फोर्थ स्टेज पूरा ये आता है। अच्छा, तो ये झाड़ का भी ये फर्स्ट स्टेज, ये फिर और सेकंड स्टेज और घना होता है, और फिर वो एक्चुअली घना होते जाता है, घना होते जाता है, और फिर बाद में फ्लावर प्रोटीन, लेकिन इतना सा ही रहता है वो, इतना ही रहता है, अभी इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो। अच्छा, मैं एक राउंड ले लूं जरा देख लूं एग्जैक्टली। ये देखिए पूरा फार्मिंग है, पूरा फार्म है। बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि इसको सॉइल में नहीं लगाया गया है, इसको ऐसे लगाया गया है और ऐसे वर्टिकल फार्मिंग की गई है कि मतलब आप कम जगह में ज़्यादा झाड़ उगा सकते हो, और मतलब जितने ज़्यादा झाड़ उतना ज़्यादा स्ट्रॉबेरी और उतने ज़्यादा ऑब्वियसली प्रॉफिट। वहाँ पे आपने देखा वर्टिकल फार्मिंग, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है। ये देखिए, ये प्रॉपर सॉइल के अंदर आपको वही जो छोटे छोटे झाड़ जो आप वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग में देख रहे थे ना, यहाँ पे प्रॉपर सॉइल में, ये जो है ये जो फार्मिंग का स्टाइल है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टाइल है, वो थोड़ा क्रिएटिव है, वो थोड़ा इनोवेटिव है। ये देखिए झाड़ की लेंथ उतनी ही है, बड़ी नहीं है। ये पूरा एक सेक्शन में उन्होंने एक ट्रेडिशनल फार्मिंग की है और दूसरे सेक्शन में उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग की है। और दोस्तों, ये फार्म में अगर आप स्ट्रॉबेरीज को एंजॉय करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे एक अलग से कैंटीन भी है। आपको कैंटीन भी दिखाता हूँ। ये पूरी जो आप देख रहे हो ना, ये कैंटीन है, और मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्ट्रॉबेरी की ही डिशेज है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पूरा मेन्यू है यहाँ पे। वैसे तो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉबेरीज भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन ऑब्वियसली प्रिफर्ड स्ट्रॉबेरी है नहीं, यहाँ पे स्पेशल जो है यहाँ का वो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी विद क्रीम। ये है वो क्रीम? हाँ सर, क्रीम ही है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? दूध का। ओहो, जरा देख सकते हैं? चलो, 150 का बॉक्स। और इसमें मतलब कुछ वजन है या बस सिर्फ ऐसा? हाफ के जी, आधा किलो ही है, 150 रुपीस का। और ये स्ट्रॉबेरी का कोई वैरायटी है जिसका नाम है कुछ? नाबिया नाम है ये स्ट्रॉबेरी की वैरायटी का। दोस्तों, हमने थोड़ा सा सीखा आज स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये एक वन ऑफ अ काइंड वीडियो था, एक अलग वीडियो था। मुझे विजय भाई मिले यहाँ पे, मुझे लगा कि मुझे उनसे पूछना चाहिए, वो मेरे साथ नॉलेज शेयर करने के लिए तैयार हुए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई होप आपको ये जितना भी नॉलेज था बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, ऐसे कुछ बीच में ट्रैवल व्लॉग्स के बीच में थोड़ा सा नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बनाया करूँगा मैं। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर